पार्टी आ जिन्हें तीन काले कानूनों के उत्ते अपने दस्तखत किए थे अपनी सही पाई सी। सो बीजेपी अकाली दल अज जिहड़ी मर्जी पार्टी आ इन्होंने पंजाब की पिट्ठ दे विच छुरा मारिया गया। सो अज इक्को इक इकलौती पार्टी आ आम आदमी पार्टी जिहनूं लोग प्यार कर रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अजकल बहुत सरगर्म नज़र आ रहे हैं, लगातार उन्होंने वालों मीटिंगां कीतियां जा रही ने, बहुत सारे लोगों नूं पार्टी दे विच शामिल किया जा रहा। तुहानूं लगता कि वह पंजाब दे लई कोई चुनौती बन सकते हैं पंजाब दे विच पोलिटिकल? देखो कैप्टन साहब, पंजाब दे सियासी सीन तो खत्म हो चुके ने। पौने पांच साल उन्होंने माफिया राज की अगवाई की, जिस माफिया राज नू सुखबीर सिंह बादल ने पैदा किया, उस माफिए की अगवाई जी पौने पांच साल कैप्टन साहब करते रहे। पंजाब के बच्चे बच्चे पता गा। सो पंजाब बच्चों कैप्टन साहब का सियासी भविख बिल्कुल खत्म आ। गरंटी या कोई वादा किया जाना उन्होंने? देखो अज मानयोग अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर सही 1:30 बजे जलंधर पहुँच रहे हैं। भगवान वाल्मीकि चौंक के यात्रा शुरू होगी, तिरंगा यात्रा होगी और लगभग 1.5-2 घंटे एक यात्रा जी पूरे शहर निकलूगी। तिरंगा यात्रा का अगवाई जी अरविंद केजरीवाल जी करेंगे और उस तो बाद शाम को 5 बजे जो साडे कैंडिडेट्स हैं जो हुण तक ऐलाने गए ने, उन्होंने मीटिंग जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब करेंगे। अज कोई गरंटी या कोई वादा भी उन्होंने वालों किया जा सकता है? देखो अज कोई गरंटी या वादे वाली गल तो अरविंद केजरीवाल दस सकते हैं, पर लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि तिरंगा यात्रा होगी। तिरंगा यात्रा तो बाद जो साडे कैंडिडेट साहबान ने उन्होंने मीटिंग जी मुख्यमंत्री साहब करेंगे। जिस तरह पठानकोट के तिरंगा यात्रा कही गई थी उस तर्ज से ही बिल्कुल पहला पठानकोट के भी तिरंगा यात्रा हुई थी, अज जलंधर के हो रही हैगी। सो वक् वक् समय के उत्ते पार्टी के प्रोग्रामों तहत जो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब चाहते हैं और पंजाब के लोगों जो सरकार बनूगी की असी करना गा वो विजन भी जोड़ा है पंजाब के लोगों के सामने रखते हैं। सो मैं समझना तिरंगा यात्रा नू, पार्टी नू है जो भरमा हंगारा पंजाब मिल रहा है। एक हरसिमरत कौर बादल कहते हैं कि जिते चोन हुंदी है केजरीवाल साहब उत्थे पहुंच जांदे आ। देखो सुखबीर सिंह बादल जी की करते हैं कि वो चले जाण चोन छड के, वो पंजाब क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? सो आम आदमी पार्टी पोलिटिकल पार्टी आ, आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़निया ने। सो इतों पता लगता कि उन्होंने इस बयान तो भी किन्ने बुखलाहट के गए, उन्होंने समझ नहीं आती कि बोलना की है। सो उन्होंने किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही, चाहे हरसिमरत कौर बादल ने चाहे सुखबीर सिंह बादल ने, अज वो पूरी तरह बुखलाहट में आ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी आ, आम आदमी पार्टी पूरे देश के इलेक्शन लड़ रही है। सो मैं समझना अरविंद केजरीवाल जो पंजाब चाहते हैं कि बहुत डर लगता गा, खास करके चाहे सुखबीर सिंह बादल होवे, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी होवे, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू होण, क्योंकि यह इन्हां कोल विजन है नहीं पंजाब नूं बचाउण दा, इन्हां कोल कोई डर जिहड़ा हैगा रोडमैप है नहीं। इस गल करके जदों अरविंद जी पंजाब चाहुंदे ने तां उस समें इन्हां इह डर जांदे ने सारे। इक जिहड़ी राघव चड्डा जी दी स्टेटमेंट सी उहनूं लै के चन्नी साहब ने वी उहदा इक जवाब दित्ता कि मैं वी कह सकदा कि केजरीवाल साडे संपर्क दे विच आ। इन्हां बयानां नूं किद्दां देखी, पंजाब दे लोग की सोचण, क्योंकि बड़े भंबल भूसे वाली स्थिति जिहड़ी पैदा कीती गई होई इस वेले पंजाब? देखो कोई भंबल भूसे वाली सिचुएशन नहीं है कि पूरा पंजाब जिहड़ा इकजुट आ, पूरे पंजाब के लोग अज आम आदमी पार्टी को अथाह प्यार कर रहे हैं कि पंजाब के लोगों को पता गा कि जेकर पंजाब नू बचा सकता गा तो आम आदमी पार्टी आ। अकाली दल लोगों ने परख के देख लिया, अकाली दल ने पंजाब विच जो इन्हां दी सरकार आउंदी आ इह धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी करवाउंदे नेगे, धार्मिक ग्रंथां नू जिहड़ा हैगा बेअदब करदे नेगे। 1986 दे विच सरकार सी उस समय जलंधर च बेअदबी हुई, 2015 च पंजाब च अकाली दल दी सरकार सी बेअदबी हुई और कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दे लोकां नाल वादा कीता सीगा कि घर घर रुजगार दे देंगे, कोई रुजगार नहीं मिलिया किसान।